अब हम आपको दिखाते हैं राहतगढ़ नगर में स्थित किले का कुछ इतिहास। यह किला सागर जिले के राहतगढ़ में स्थित है। यह महाराजा संग्राम शाह के 52 गढ़ों में से 42वां गढ़ है। बीना नदी के किनारे पहाड़ी पर एक विशाल एवं भव्य किला स्थित है। महाराजा संग्राम शाह के पूर्व यहाँ चंदेल और परमार शासकों ने शासन किया। महारानी दुर्गावती एवं वीर नारायण के मृत्यु उपरांत इनके उत्तराधिकारी राजा चंद्र शाह को गोड़वाना साम्राज्य के राजा बनाने के लिए अकबर को 10 गढ़ देने पड़े। उनमें से एक राहतगढ़ भी था। राहतगढ़ किले की बनावट सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किले में दरवाजे सुरक्षा चौकियों की तरह बनाए गए हैं। किले में प्रवेश करने के लिए कई दरवाजों से ऊपर गुजरना पड़ता है। किले की बाहरी दीवारों के साथ सुरक्षा चौकियों के अवशेष भी दिखाई देते हैं। पहाड़ी बहुत ऊंची है और किले की बनावट ऐसी है कि आक्रमणकारियों को दूर से ही निशाना लगाया जा सके। किला ऊंची चार दीवारियों से घिरा हुआ है जिसमें सुरक्षा चौकियां भी बनी हुई हैं। किले की दक्षिण किनारा बीना नदी से भया भय खाई से भरा हुआ है। इस खाई से होकर किले में प्रवेश करना असंभव प्रतीत होता है। इस खाई के किनारे भी सुरक्षा चौकियां निर्मित हैं। राजगढ़ के इस किले पर विजय पाना बेहद चुनौती पूर्वक रहा। किले के अंदर बहुत सी सुंदर इमारतें मौजूद हैं। कुछ इमारतों का निर्माण ईंट से किया गया है तो कुछ अधिकांश इमारतों का निर्माण पत्थरों से किया गया है। चट्टानों को काटकर यहां पर एक तालाब का निर्माण किया गया है। इस तालाब में वर्ष पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। राहतगढ़ का किला सागर जिला मुख्यालय से राष्ट्रीय राजमार्ग 146 सागर विदिशा पर करीब 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।